Everyone, today we will continue with class 9 civics, chapter number 2, what is democracy and why democracy. In the last lecture we discussed about that what is democracy and some of the features of the democracy. So today we will continue with arguments against democracy, or we can say that this is the disadvantage and demerits of democracy. Ye question aapka is tarike se bhi aa sakta hai, to arguments against disadvantage or demerits. Okay, so leaders keep changing in a democracy, instability. To leaders jo hote hain aapke, jaise hum dekhte hain ki har 5 saal mein sarkar badalti rehti hai ya 5 saal se pehle bhi kai bar sarkar badal jati hai, to usme leaders jo aapke change hote rehte hain jiski wajah se instability machi rehti hai, kyunki bhai koi bhi policy agar plan wagera aate hain to वो लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो 5 साल में चेंज हो जाती है, तो इसी वजह से इंस्टेबिलिटी होती है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है. तो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, नो स्कोप फॉर मॉरेलिटी. तो इसके अंदर डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि भाई पॉलिटिकल, अब सबको जो है इलेक्शन लड़ने का अधिकार होता है, ठीक है, तो उसमें पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले, तो उसमें भाई वो पैसे के बल से चाहे मसल पावर से, तो मतलब किसी भी तरीके से वो जो है इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो इसमें पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले बढ़ जाता है, जिसमें मोरालिटी जो होती है आपकी उसके लिए जो कोई स्कोप ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है. सो मैनी पीपल हैव टू कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी, इट लीड्स टू डिलेज. तो अगर कोई डिसीजन, अगर मान ले कई डिसीजन ऐसे होते हैं जो लेने पड़ते हैं, तो पहले राज्यसभा, लोकसभा, प्रेजिडेंट, इन सबसे डिसीजन जो है, मतलब कई जगह से, इंडिया के अंदर एक बात करें तो मतलब कई लोगों से उसको कंसल्ट करना पड़ता है, आफ्टर दैट उस डिसीजन को जो है हम अप्लाई कर पाते हैं, बट इट लीड्स टू डिले. इसमें ऐसा हो जाता है कि भाई कई बार काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है कोई डिसीजन लेने में, तो ये भी उसका एक जो है डिसएडवांटेज है. इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लीड्स टू बैड डिसीजन. अब जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, मान ले भाई कई बार ऐसा होता है कि आपके जो लीडर्स हमने चूज़ किए उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि भाई फैमिली की बैकग्राउंड की वजह से इलेक्शन में खड़ा हुआ और जीत गया, बट जो है वो do not know the best interest of the people, उसको जो है लोगों के हित के लिए जो फैसले लेने का पता नहीं है, तो इसमें कई बार वो बैड डिसीजन भी ले जाता है. अगर उसको जो प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है तो वो इसमें कई बार बैड डिसीजन ले जाता है. सो डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन. तो डेमोक्रेसी की वजह से जो है करप्शन भी बढ़ता है. कैसे कि भाई जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं वो बस अपना है जो इलेक्शन जीतने के लिए लगे रहते हैं, उसके लिए वो चाहे चीटिंग करें, उसके लिए करप्शन करें, पैसा खिलाएं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से पावर का मिसयूज़ करते हैं, जो करप्शन को बढ़ावा देती हैं. Ordinary people don't know what is good for them, they should not decide anything. तो पुराने ज़माने में, पास्ट में क्या होता था, जो लोग अनपढ़ होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, जिनको पता नहीं होता था, वो सोचते थे कि भाई उनके लिए अच्छा भला क्या है, तो उनको लगता था कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको डिसाइड करने दो, हमें कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसा लगता था. लेकिन आज जो है सिचुएशन चेंज हो चुकी है, लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज भी जो कॉमन आदमी होता है उसको नहीं पता होता कि भाई कौन उसके भले के लिए है, कौन उसके खिलाफ है. तो एट प्रेजेंट भी जो है कई पॉपुलेशन ऐसी है, मोस्टली पॉपुलेशन जिसकी, जिनको नॉलेज नहीं है इस बारे में. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, और वी कैन से एडवांटेज एंड मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें आपका फेमाइन हुआ था 1958 टू 1961 में, चाइना के जो आपका साउथ ईस्ट एशियाई कंट्री है, चाइना, इंडिया, जो नेपाल, भूटान वगैरह, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ था, एक जो भुखमरी आ गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, चाइना और इंडिया का जो हम एग्जांपल लेके इसमें पढ़ेंगे कि भाई चाइना, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री था लेकिन चाइना नहीं था, तो इसमें क्या हुआ कि भाई जो चाइना की कंडीशन और इंडिया की कंडीशन बराबर थी, ऑलमोस्ट हमें जो फ्रीडम भी जो है आसपास ही मिली थी, लेकिन इस फेमाइन की वजह से क्या हुआ, नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन. ठीक है, तो ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना, येट इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड. क्योंकि चाइना का बहुत बुरा हाल हुआ था, लेकिन इंडिया जो है इस चीज़ में संभल गया था. क्यों? क्योंकि इंडिया की जो अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वजह से जो पॉलिसीज़ वगैरह ऐसी बनाई जाती थी कि जिसकी वजह से पूरे देश को उसका फ़ायदा मिलता था, लेकिन चाइना डेमोक्रेटिक नहीं था, उसकी वहाँ पर जो पॉलिसी बनती थी वो सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती थी. ठीक है, सो ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट, मोर अकाउंटेबल. तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो सभी के फ़ायदे के लिए काम करती है. ए कंसल्टेशन एंड डिस्कशन,
नो रैश और इरेस्पॉन्सिबल डिसीजन, क्वालिटी डिसीजन. तो कंसल्टेशन एंड डिस्कशन जो हमने अभी डिसएडवांटेज में देखा था कि भाई जो कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो है कंसल्ट किया जाता है कई लोगों के साथ, जिसकी वजह से उसमें डिले हो जाता है. तो इस चीज़ का फायदा भी होता है कि भाई नो रैश और इरेस्पॉन्सिबल डिसीजन, वो डिसीजन जो लिया जाता है सोच समझ के लिया जाता है, तो वो क्वालिटी डिसीजन होता है, वो सबके भले के लिए होता है. तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स. तो डेमोक्रेसी एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है जो डिफरेंसेस और कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होते हैं, सबको समान अधिकार देना, उनको सुलझाने का मौका दिया जाता है उस चीज़ के अंदर. पॉलिटिकल इक्वलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, डेमोक्रेसी एनहेंसेज द डिग्निटीज ऑफ सिटीजन्स. अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जिस देश में, वहाँ पर हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को जो है समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं. बट जो कुछ ऐसे जो हम कहेंगे कि भाई जहाँ पर कोई डिक्टेटर है या आपका मोनार्ची है, तो वहाँ पर पर्टिकुलर टाइप के जिन लोगों का शासन होता है, जिनके पास पावर होती है, तो उनके लिए ही जो काम किए जाते हैं उनका ही फायदा होता है, ठीक है. तो लेकिन जो डेमोक्रेटिक में क्या होता है, जो डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स होती है उनको ध्यान में रखा जाता है. डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. तो डेमोक्रेसी जो है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है. कैसे कि भी इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. जो हम अगर मान ले गलती से हमने किसी गलत लीडर को चुन दिया है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में आने पे हम उसको चाहें तो उसकी सरकार चेंज कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं. तो वी कैन चेंज आवर ओन मिस्टेक्स. Now we will discuss further broader meanings of democracy. So evaluation of democracy में हम देखने के भी this is a representative democracy है. Representative कैसे है कि भी जो इतने सारे लोग होते हैं, या एक कहें आपके member of parliament वाला जो parliamentary region होता है, जिसमें आप एक किसी member को elect करते हैं, MP बनाते हैं, तो उस region में आपका क्या होता है, आप उसको elect करते हैं, representative अपना representative बनाते हैं, क्योंकि सारे लोग तो नहीं जा सकते, तो वो आप रिप्रेजेंटेटिव होता है जो वहां पर जाकर असेंबली में आपके लिए बोलता है, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं. सो व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी, क्यों जरूरत है इसकी. बिकॉज द लार्ज नंबर ऑफ पीपल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल इन डिसीजन मेकिंग. अब इंडिया की पॉपुलेशन नियर अबाउट 137 करोड़ है, वो जो आपके डाटा अभी बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग. सो अगर 137 करोड़ में से हम अंदाजा लगा लें कि 70-80 करोड़ जो पीपल हैं उनके पास वोट देने का अधिकार है, तो अगर हम उन सबको डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेना उनके लिए, हम पहली बात तो इतने लोगों को हम बुला नहीं पाएंगे, ठीक है. तो और दूसरी बात, अगर बुला लें तो पीपल डू नॉट हैव द टाइम, डिज़ायर और द स्किल टू टेक डिसीजन. तो उन लोगों के पास ना तो टाइम होगा इतने लोगों के पास, और ना उनकी डिज़ायर होती है और ना स्किल्स होती है कि भाई वो इस तरीके के डिसीजन ले पाएँ. सभी लोग इस चीज़ के लिए जो है पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते हैं. तो इसमें डेमोक्रेसी वर्सेस गुड डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी तो है, बट उसको और बढ़िया कैसे, गुड डेमोक्रेसी कैसे किया जाएगा. कंसल्टेशन एंड कॉन्स्टेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन. नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी, वी द पीपल मेक इट. तो कंसल्टेशन और कंसेंट लेना उन लोगों का जिसके लिए वो डिसीजन लिया जा रहा है, तो उनसे कंसल्ट किया जाना, उनका कंसेंट लेना कि भाई ये आपके लिए फायदेमंद है या नहीं, आप खुश हो या नहीं उस चीज़ का, तो ये डेमोक्रेसी का एक, जो गुड डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है. और नो कंट्री इज़ परफेक्ट डेमोक्रेसी, किसी भी कंट्री के अंदर परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, वो जो वहाँ के लोग होते हैं वही उसको परफेक्ट बनाते हैं. सो हम अभी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें आप जो इनको क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे भी. सो इसमें क्या है कि आपका, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर्स. हमने अभी डिस्कस किया आपके डेमोक्रेसी क्या है और इसके फीचर्स, चार फीचर्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है. आफ्टर दैट आर्ग्यूमेंट्स फॉर और एडवांटेज, मेरिट्स और डेमोक्रेसी, या आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये चीज़ अभी हमने डिस्कस की हैं. तो इसके भी जो जितने पॉइंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं. तो स्पेसिफिक स्टोरी हमने जैसे पाकिस्तान की डिस्कस की, ठीक है. पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था कि भी उसने कैसे, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था कि भी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, प्रेजिडेंट्स जो है अपनी पावर बढ़ा ली, नेशनल और प्रोविशनल प्रोवेंशियल असेंबलीज को वो डिसमस कर सकता था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई उसने जो सुपरवाइज करेगी सिविलियन कैबिनेट को. तो उसने अपने फ़ायदे के लिए उस चीज़ को किया, ठीक है. या उसके जो हम कहेंगे भाई जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में उसने क्या क्या किया, मिलिट्री कूप किया 1999 में, खुद को जो है प्रेजिडेंट डेजिग्नेट किया, रेफरेंडम जो 2002 में लेके आया. रेफरेंडम क्या होता है कि लोगों को उसने एक इलेक्शन करवाया एक तरीके से, उसमें चॉइस दी कि आप मुझे प्रेजिडेंट रखना चाहते हो या नहीं, हाँ या ना, तो ये रेफरेंडम था आपका, होता था, ठीक है. तो उसके बाद हमने फिर चाइना की स्टोरी देखी भाई, चाइना के अंदर क्या होता है आपका, चाइना के अंदर इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में, लेकिन जो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस होती है,
तो वही एक पार्टी है वहाँ पे, अगर किसी को असेंबली में जाना है, पार्लियामेंट में जाना है, तो उसी पार्टी का हिस्सा बनना पड़ेगा, नहीं तो वो असेंबली में नहीं जा सकता। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूप नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं। मेक्सिको के अंदर हमने देखा पीआरआई थी, जो आपकी पीआरआई कैसे जो डर्टी गेम्स खेल के जो पॉलिटिक्स करती थी। फिर जिम्बाब्वे का हमने एग्जांपल देखा था, जिम्बाब्वे के अंदर आपका क्या हुआ था, जहाँ पर जो है जानू पीएफ पार्टी थी, रॉबर्ट मायाबे थे, तो वहाँ पे भी वो जीतने के बाद आज़ादी तो दिलवाई, लेकिन आज़ादी दिलाने के बाद उसने अनफेयर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जो हैं बनेंगे, वो स्टोरी हैं, तो इनके बारे में अलग से आपने हमने बुक में बुक के अंदर बुक में भी है आपके, और हमने नोट्स में भी अभी डिस्कस किया, तो आप वो सारी चारों के बारे में लिखेंगे। सो लास्ट में आपका व्हाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज नेसेसरी, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों नेसेसरी है, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा हम नहीं कर सकते, और ना ही वो सारे लोग सक्षम होते हैं, एबल होते हैं कि वो डिसीजन ले पाएं। थैंक यू सो